तो आप तो इतने मोटिवेट किए सर कि बस उसका तो कुछ हद ही नहीं सर। सर ये फेल हो गए थे और आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देखकर हतोत्साहित होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं कि कभी एक नंबर से छूट रहा, कभी डेढ़ नंबर से छूट रहा रिजल्ट, पता नहीं क्या होगा। तो दिहारा आज तो दिल्ली मंत्रालय में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है इंजीनियर वी के गुप्ता कैंपस के इस मंच पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना, हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाएंगे जो कि हमारा बहुत ही करीबी स्टूडेंट हुआ करता था। और ये एक रिजल्ट नहीं, इन्होंने बहुत सारी सफलताएं हासिल की है अपने जीवन में, और इनका स्टोरी बिल्कुल बिगनिंग से आपके सामने हम शेयर करेंगे ताकि आप लोग बीच बीच में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमसे कितने बच्चे आके डेली मिलते हैं और बोलते हैं कि सर अब पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, क्या करें, एक नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ तो बताइए सर, कैसे पढ़ाई किया जाए, क्या मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा। इन तमाम क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस बच्चे के रिजल्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और ये खुद बताएंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंकज जी के बारे में, जो कि शुरू से ही हमारे साथ स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किए। उनका CHSL में पहली बार रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बाद से CHSL में नहीं हुआ, उसके बाद से फिर फाइनली उन्होंने MTS क्लियर किया, और MTS के बाद से दूसरा उनका जो जॉब हुआ वो CHSL में पोस्टल असिस्टेंट के रूप में हुआ। और आज तो दिल्ली मंत्रालय में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। और CGL का आप जानते होंगे कि CSS केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो कि टॉप पोस्ट होता है, उस पोस्ट पे ये अभी कार्यरत हैं। और एक फोटो आपको दिखा के इनके बारे में हम समझाना चाहेंगे, इनके पोस्ट के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि देखिए CSS के पोस्ट का कितना पावर होता है। ये हमारे विद्यार्थी पंकज कुमार, और ये हमारे बहुत ही चहेते खिलाड़ी, आप सब लोगों के भी चहेते खिलाड़ी होंगे, पहचान रहे होंगे आप लोग, गौतम गंभीर, जो कि अभी दिल्ली के सांसद भी हैं। तो देखिए, एक बड़े पोस्ट पे काम करने का क्या फायदा होता है, बड़े पोस्ट पे अगर आप काम करेंगे ना तो बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा, उनसे कुछ सीखेंगे, वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, तो ये सब फायदा है। तो हम बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, प्लीज वेलकम, आ जाइए पंकज जी, आ जाइए। अरे खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। तो ये पंकज जी हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन अपना बताइए, बच्चों को दीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही आवाज। एक काम करिए, इससे बोलिए, इसमें क्लियर आएगी। सर आप सबसे पहले बच्चों को बताइए अपने जर्नी के बारे में, अपना नाम से स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन देते हुए। सर मेरा नाम पंकज कुमार है सर, और मैं पटना में प्रिपरेशन करने 2015 में आया था सर, लगभग मार्च अप्रैल की बात होगी उसमें। और उसमें मैं हम लोग ग्रुपिंग में तैयारी कर रहे थे, तो पता चला कि सर एक कोई सर आए हैं और वो मैथ जो है बहुत फ्री में पढ़ाएंगे और सारा सिलेबस कवर करवाएंगे वो, तो सारे ग्रुप हम लोग वहाँ ज्वाइन किए सर, आपके बारे में पता चला, तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट किए सर। और वो जो जर्नी थी सर, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई सर हमारी। और फिर मैथ का सर जो आपने मेहनत उस समय करवाया, बिल्कुल स्टार्टिंग, और वो तो फ्री बैच था सर, आपने बस पब्लिसिटी के नाम पे सर आपने मेहनत करना ही सोचा, और जो मेहनत सर आपने किया सर, मैं तो बहुत पहले ही यहाँ आना चाहता था सर, लेकिन एक MTS पोस्ट ज्वाइन करके सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सर आपके पास आएँ, आपने इतना जी जान से मेहनत करवाया था सर हम लोग के लिए, फिर
फाइनली सर आज आपसे मिलने का मौका मिला, और इस बीच में सर मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहा, आपको फेसबुक माध्यम से सर हमेशा आपसे आशीर्वाद लेता रहा कि सर मेरा इसमें रिजल्ट हुआ है, और सर बड़ा अच्छा लगा। पंकज जी का एक खास बात हम आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, ये हमेशा स्टार्टिंग से ही ये हमेशा जो है हम लोगों से, जब पढ़ने के बाद भी यहाँ से जब MTS में इनका रिजल्ट हो गया तो उसके बाद भी हमेशा फेसबुक के माध्यम से हमसे ये अपना रिजल्ट शेयर करना, साथ में आशीर्वाद लेना, ये सब हमेशा इनका रहा। और शुरू से ये बहुत संस्कार के, मतलब संस्कार की धनी है, परिवारिश इनका बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छे से बिहेव करना, अपने दोस्तों को कोऑपरेट करना, ठीक है ना, ये शुरू से करते थे। थोड़ा सा हम इनको, इनका एक रिजल्ट दिखा दें आपको, ठीक है ना, ये तो अभी आपको बताया। देखिए तो ये सबसे पहला इनका सिलेक्शन है MTS के सिलेक्शन, नहीं सर CHSL का, हाँ ये CHSL का, अच्छा ये CHSL में ये पहली बार फेल हुए थे सर, 0.5 मार्क्स से मैं फेल हो गया तो था, हाँ यहाँ पे 0.5 मार्क्स से ये फेल हो गए थे, देख लीजिए इनका 184.5 मार्क्स है, और 0.5 मार्क्स से ये फेल हो गए थे, और आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देखकर हतोत्साहित होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं कि कभी एक नंबर से छूट रहा, कभी डेढ़ नंबर से छूट रहा रिजल्ट, पता नहीं क्या होगा। तो देखिए आज पंकज जी आपके सामने एकदम खड़े हैं, और पहला एग्जाम ये 0.5 मार्क्स इनका छूट गया था, इसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, कंटिन्यूअस लगे रहे, और देखिए आज कितने बड़े पोस्ट पे हैं। तो ये इनका पहला रिजल्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे बच्चों को कि कैसा फीलिंग हुआ था, क्या क्या मन में आया था जब 0.5 मार्क्स मात्र आप छू गए थे एग्जाम। सर ये तो मतलब कुछ दिन तो मेहनत ही नहीं हो पाई बिल्कुल भी सर, कि अब क्या ही करें, ये तो लगता है जॉब ही नहीं हो पाएगा सर। और जब स्टार्टिंग में सर प्रिपरेशन करने आया था तो मेरा अल्टीमेट टारगेट था कि मतलब CHSL में ही जॉब लेना है, मतलब था ही नहीं कि सर उतने कैलिबर ही नहीं है सर, कि फिर धीरे धीरे जब मेहनत करते गए तो चीज़ें अपने आप होते गई सर, लेकिन अल्टीमेट टारगेट था कि हमको LDC में जॉब लेना है और एक जॉब चाहिए। उस समय तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा जब 0.5 मार्क्स से चूक गया, कैसा आप फील किए थे? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था सर, फिर धीरे धीरे आपका भी संगति मिलता रहा सर, तो आप तो इतने मोटिवेट किए सर कि बस उसका तो कुछ हद ही नहीं सर। हर दिन पंकज जी अभी बता रहे थे कि सर हर दिन क्लास में आप कसम खा लिए थे कि नहीं लोगों का सिलेक्शन करवा ही देना है, और वो हमारा फ्री बैच था, और ये लोग भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत हमको फ्री क्या कहिएगा, इनका प्यार इतना आशीर्वाद, मतलब इनका प्यार जो मिलता था, इतना ये लोग आकर हमको मानते थे ना, वही मेरा फी था, सब कुछ था। तो ये चीज़ है, और इसके बाद हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये इनका पहला रिजल्ट है क्या पंकज जी? यस सर MTS, ये पहला रिजल्ट है इनका MTS का। तो MTS में ये पहला रिजल्ट 2016 में ये पहला MTS ये अपना क्लियर किए थे, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। मतलब ये रिजल्ट सर मुझे अपने मम्मी के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था सर, और मतलब रोना ही आ गया था। कितना बड़ा बात बोल दिए, कितना ये खुश नसीब है, और इनकी मम्मी भी खुश नसीब है, ये रिजल्ट ये अपने मम्मी के सामने पहला बार देखे थे, जैसे रिजल्ट आया था ये अपने मम्मी के साथ में थे, और वहाँ पे ये रिजल्ट देखे, और कैसा फीलिंग आया उस समय? बस रोना ही आ गया सर, और क्या ही। अच्छा रोना आ गया, पूरा इमोशनल हो गया, भावुक हो गए। सरकारी जॉब मिल गया। देखिए सरकारी जॉब मिलना हमारे देश में भगवान, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान से मिलने के बराबर है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, कि मेहनत आप करेंगे तो खैर जॉब तो हो ही जाता है, ठीक है ना। ये बताइए इसके बारे में, ये सर ज्वाइनिंग लेटर मिला था सर, बस एक ही यही फोटो है सर, बड़ा संयोग के रखे हुए अभी तक। ये इनका देखिए ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ है ज्वाइनिंग लेटर लिखा हुआ? ये सर अभी देखे थे कहीं का, हाँ प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ MTS, यानी MTS में इनका जो सिलेक्शन हुआ उसका ये ज्वाइनिंग लेटर है इनका, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग हुआ, इसमें कुछ दिन जॉब किए थे क्या आप? हाँ, ये सर 2 साल जॉब किया सर इसमें। अच्छा इसमें 2 साल जॉब किए, सबसे बड़ी बात है सर पार्लियामेंट हाउस में जॉब करने का मौका मिला है सर। हाँ। अच्छा देखिए यहाँ पे इनको जो है जो पोस्टिंग मिला है, आप सब लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम गोल घेरे हुए हैं, इनको पार्लियामेंट हाउस में काम करने का मौका मिला, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, वहीं से मोटिवेशन लगा कि और आगे बढ़ना है, यहाँ पे नहीं रहना है, वहीं से लगा कि और आगे बढ़ना है, और वहाँ तो बड़े बड़े मंत्री आते होंगे, सारे लोग सर,
सारे लोग आते सारे थे, लोग तो आपकी तो पहचान बड़े बड़े मंत्री से भी हो गई होगी। सर मिलना जुलना तो हो ही जाता था सर, सब लोग तो दिख ही जाते थे इधर उधर। अच्छा, सब लोग दिख ही जाते थे, सारे मंत्री भी वहां आते थे। देख लीजिए पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने काम किया है। अब उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये इनका जो है पहला CHSL का रिजल्ट है जी। CHSL का रिजल्ट इनका जो है 2017 CHSL में फाइनल रिजल्ट हुआ। इसके बारे में कुछ बताइए बच्चों को। सर इसे पोस्टल असिस्टेंट मिला था सर, उड़ीसा पुरी में। उड़ीसा में मिला था? हाँ उड़ीसा पुरी में मिला था सर। उड़ीसा पुरी में? अच्छा, पुरी में, पुरी के बारे में जानते होंगे, पुरी में शायद जगन्नाथ मंदिर है जी सर, तो वहां पे पुरी में इनको पोस्टिंग मिला था पोस्टल असिस्टेंट के रूप में। हाँ। जो पोस्टल असिस्टेंट अब की बार सीजीएल में शामिल कर दिया। बिल्कुल सर, अब की बार सीजीएल में शामिल कर दिया। अगर अब की बार आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये पोस्टल असिस्टेंट ग्रेड पे भी इसका बढ़ाया है ना? नहीं, 2400 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे के साथ में इनको जो है इस पोस्ट को शामिल कर दिया है, ठीक है ना? इसको ज्वाइन नहीं किया था सर, क्योंकि उसी समय मेरा फिर सीजीएल 17 में हो गया था टैक्स असिस्टेंट। अच्छा, इसको ये ज्वाइन नहीं किए थे क्योंकि 2017 में इनका फिर सीजीएल क्वालिफाई कर लिए थे, ठीक है ना? तो सीजीएल में इनका हो गया था जी सर। तो ये है सीजीएल 2017 में टैक्स असिस्टेंट, सीजीएल 2017 में इन्होंने टैक्स असिस्टेंट क्लियर किया। टैक्स असिस्टेंट ये सर इनकम टैक्स में था सर, इसमें भी दो होता है सर, एक टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें सर एक साल काम करा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर इनकम टैक्स। इसमें इन्होंने एक साल काम किया है भोपाल में पोस्टिंग थी सर। आप थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि इसमें काम करने का कैसा वर्क कल्चर है, क्या बेनिफिट सर है, ये सारा चीज बताइए। सबसे इस डिपार्टमेंट है सर इनकम टैक्स, उसमें मतलब किसी तरह का प्रेशर नहीं है और मतलब बहुत अच्छा लगता है सर काम करके, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है सर वहाँ का। अच्छा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, सबसे आसान है काम करना वहाँ पे, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, ठीक है ना? बाकी 2017 टैक्स असिस्टेंट थे जी, इसके बारे में और कुछ शेयर करना चाहते हैं बच्चों को जो आपको अच्छा लगे, कैसा मतलब फीलिंग हुआ? सर ये पोस्ट बढ़ रहे हैं सर, पहले डिस्क्वालीफाई हुए CHSL में, उसके बाद MTS में पहला रिजल्ट वो भी माता जी के सामने, उसके बाद दूसरा जो ये हो गया आपका CGL 2017 के थ्रू, नहीं MTS के बाद CHSL में फाइनल हुआ PA के रूप में, पोस्टल असिस्टेंट के रूप में। दूसरा देखिए, पहला MTS, दूसरा CHSL, और तीसरा जो हो गया ये हो गया CGL में टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है ना? तो धीरे धीरे लाइफ में ये आगे बढ़ रहे हैं सर। अभी तक तो ये चार पोस्ट था सर, लेकिन अभी रिसेंटली सर 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई है सर, इसमें अब क्या है थोड़ा प्रमोशन हायरार्की इसमें खराब हो गया सर, थोड़ा सा अनबेनिफिशियल हो गया। अभी ये 3-4 दिन पहले नोटिस हाँ, आई है, बस 3-4 दिन, ये इंटरनल नोटिस है, इंटरनल नोटिस सर। अच्छा अच्छा, तो अब इसमें जो ये बहुत अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनका कहना है कि 4 दिन पहले नोटिस आई है जिससे कि प्रमोशन इसका थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है ना? फिर भी बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है ना? पोस्ट बहुत अच्छा है, अगर प्रमोशन स्लो होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? लेकिन है अच्छा। तो चलिए आपको अब हम इनका अगला रिजल्ट दिखाते हैं। ये सर CGL 18 है फाइनली सर, मुझे ये CGL 18 हो गया, CGL 18, तो CGL 18 हो गया। CGL 18 में इनका फाइनली जो होता है CSS, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट केंद्रीय सचिवालय, तो इसमें इनको फाइनली जो होता है एज ASO के रूप में, ASO के रूप में इनको काम करने का यहाँ पे मौका मिला, ज्वाइन किए हैं अभी। इसका रिजल्ट कब आया बताइए थोड़ा बच्चों को, रिजल्ट कब आया, फाइनल रिजल्ट कब आया, और आपका जो है मतलब उस समय क्या कैसा फील किए थे सर? बस वही था कि सर हम भी जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन में थे सर, तो लोगों को देखते रहते थे कि भाई लोग ASO ज्वाइन किए हैं, उसमें एक सबसे बड़ी बात है सर, उसमें एक भारत दर्शन होता है, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का पार्ट होता है सर, क्योंकि भारत दर्शन जो है एक IAS में होता है सर, IAS लवासम जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे भारत दर्शन एक मंथ का होता है, इसमें 15 दिन का भारत दर्शन होता है सर, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है सर, और भी जाने का मौका मिलेगा सर नवंबर में है। हर साल 15 दिन, हाँ, 15 दिन का भारत दर्शन होगा, तो उत्तराखंड और गुजरात हमें अलॉट हुआ है सर, तो 15 दिन घूमने का मौका मिलेगा। देखिए कितना अच्छा है ASO में कि भारत दर्शन आप कर सकते हैं, हर साल 15 दिन के लिए आपको जो है एक टूर मिलेगा, कहीं कहीं आपको भेजा जाएगा, जाइए एंजॉय कीजिए, ठीक है ना? ये बस पार्ट है सर, जो एक सिविल सर्विसेज का पार्ट है सर, ये जो सिविल सर्विस जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं उसी का एक पार्ट है सर, यही एक बड़ा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था सर कि ये सिविल सर्विसेज का एक पार्ट है, समझिए कि सिविल सर्विसेज के जस्ट नीचे कोई पोस्ट आता है तो है केंद्रीय सचिवालय,
और इसके लिए मैं शुरू में इन लोगों के बैच में हाँ मोटिवेट भी ये किया था, बताइए उस सब बात। सर सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्ट के बारे में सर आप ही से पता चला था, आप ही ने मतलब पहली बार जिक्र किया था क्लास में कि CSS एक बहुत अच्छा पोस्ट है, वहाँ पे जाइए आप लोग, एक तो जीवन भर सर वहीं पे रहना है और लाइफ कल्चर बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है सर आपने वो गर्ल्स के बारे में बताया था, और मुझे भी लगता है सर कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है। हाँ मैंने बताया था कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट होता है तो ये CSS होता है। इवन जिसको UPSC करना है, जिसको परमानेंटली दिल्ली में दिल्ली में सेटल्ड होना है और वहाँ पे रह कर कुछ लाइफ में और अच्छा करना है, तो उनके लिए इससे बेहतर कोई पोस्ट नहीं है। इसका खास बात है कि इसमें प्रमोशन होने के बाद आप सीधे सीधे UPSC कैडर में चले जाएंगे क्या? हाँ हाँ बहुत हाई, तो सर मेरा तो चांसेस है कि सर डायरेक्टर तक जाएं। हाँ इनका जैसे इनका इनका चांसेस ये बताइए थोड़ा अच्छे से बताइए सर। इसमें प्रमोशन हायरार्की है सर, इसके बाद SO बनते हैं सर, सेक्शन ऑफिसर। सारा थोड़ा प्रमोशन और जो ये क्रम है वो थोड़ा सा समझाइए, हमको भी समझना है। हाँ सर बच्चों को भी समझाइए। बिल्कुल सर, SO बनते हैं सर यहाँ से, फिर अंडर सेक्रेटरी बनते हैं सर, ये देते हैं मार्कर सर। मार्क्स तो मार्क्स वगैरह है ठीक है ना, तो ये सब मार्क्स वगैरह तो आप लोग नहीं भी देखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन जो काम का चीज है वो अच्छे से समझिए ठीक है ना, इससे आराम से आप यहाँ पे लिख के भी बता सकते हैं सर। इसमें सबसे पहले तो सर जी आ देते हैं, जाने का काम मेरा रहेगा सर। तो सर सबसे पहले अच्छा सर ओके, तो सर सबसे पहले ASO होता है सर, सबसे पहले ASO में हम लोग ज्वाइन करते हैं सर एकदम DR डायरेक्टर। ASO का फुल फॉर्म होता है बाबू असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जी ठीक है ना, केंद्रीय केंद्रीय सचिवालय में ठीक है ना। ASO का मतलब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जी। चलिए उसके नीचे इसके सर बाद प्रमोशन होता है सर, ASO का प्रमोटेड होंगे ये तो जाएंगे ASO में, वो सेक्शन ऑफिसर हो जाता है सर फिर। हाँ ASO होता है सेक्शन ऑफिसर, अपने सेक्शन का पूरा वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या जी सर, सबसे बड़ा पोस्ट हाँ, होता उस है सेक्शन, किसी भी सेक्शन में सबसे बड़ा पोस्ट ASO का ही होता है, किसी भी सेक्शन में सबसे बड़ा पोस्ट ASO का ही होता है जी सर। उसके बाद यहाँ से सर अंडर सेक्रेटरी बनता है सर, ये जो पोस्ट है सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं बताता हूँ सर इसके बारे में थोड़ी सी। ये इक्विवेलेंट टू सर DM होता है, जो स्टेट में होते हैं सर इक्विवेलेंट टू DM होते हैं सर। ये हो गया अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जो कि इक्विवेलेंट टू DM हो गया। हाँ ओके फाइन, और सर ये अगर प्रमोशन ठीक ठाक रहा सर। हाँ अंडर सेक्रेटरी हो गया PARY सर RY सेक्रेटरी, ये अंडर सेक्रेटरी हो गया और ये इक्विवेलेंट टू DM है ठीक है ना। हाँ इसके बारे में ये सर अगर प्रमोशन ठीक ठाक रहा तो सर यहाँ 6 से 8 साल में प्रमोशन हो जाता है सर, ये हायरार्की ASO से ASO आने में okay. और यहाँ से सर 8 साल ये 8 साल लग जाएगा आपको जी okay. तो सर मतलब अगर 8-8 साल भी लगे मैक्सिमम सर, तो 16 साल में अगर अंडर सेक्रेटरी वो बन सकता है सर। देखिए अगर मैक्सिमम अगर वर्स कंडीशन भी रहा, अगर 8 साल भी लेके चला जाए तो 8 साल + 8 साल 16 साल में अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे आप आ जाएंगे, जो कि इक्विवेलेंट टू DM होता है। DM से थोड़ा सा भी पावर कम नहीं है इस पोस्ट का क्या? हाँ सर बट वही है कि सर ये DM फील्ड वर्क है तो यहाँ पे पावर DM, हाँ, वो अलग बात हो गया कि DM तो प्रशासन हो गया तो एक फील्ड वर्क है, वहाँ पावर दिखता है जी। और ये ऑफिस वर्क है, ये ऑफिस वर्क है तो ऑफिस वर्क है तो वहाँ पे उस तरह का मतलब पावर दिखेगा नहीं, बट इक्विवेलेंट है। हाँ इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट है। इसके बाद सर ये होता है डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी तो इसमें भी सर 5 साल यहाँ पे लग जाते हैं सर, 5 साल अच्छा, 5 से 8 साल लग जाएगा आपको डिप्टी सेक्रेटरी बनने में ठीक है ना। हाँ उसके बाद, इसके बाद सर यहाँ पे डायरेक्टर होता है सर, डायरेक्टर जी। उसके बाद से डायरेक्टर बनने में कितना साल लग जाता होगा? यहाँ भी सर ये सर अब डिपेंड करता है ये सब पोस्ट पे सर कि सीट कितना वैकेंट है सर, ऐसे जनरली 5 साल यहाँ पे रखा जाता है, मिनिमम 5 साल पे आप 5 साल में मतलब जी आप डायरेक्टर बन सकते हैं जी। तो टोटल देखा जाए तो वर्स कंडीशन, और यहाँ एक पोस्ट और जाया जा सकता है सर, इन सीटो पोस्ट होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का सर। अच्छा ज्वाइंट सेक्रेटरी सर, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सर, होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या? ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सर, एक IAS को यहाँ पहुंचने में 20 साल लग जाएंगे सर। एक IAS ऑफिसर को, एक IAS ऑफिसर को भी ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने में ठीक है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने में लगभग 20 इयर्स लग जाते हैं ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए तो अगर देखा जाए तो 8 साल 8 साल 16 साल 16 5 21 21 5 26
26 साल लगभग डायरेक्टर बनने में सर, नहीं उसके बाद 26 साल में डायरेक्टर आप बनेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी और है सर, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में, ज्वाइंट सेक्रेटरी सर इसमें भी 5-8 साल लग सकते हैं सर, ये लेकिन 8 साल लग जाएगा, ये बहुत कम होता है सर, इसमें 40 सीट है लेकिन मतलब यहाँ तक लोग पहुँचते हैं सर, कुछ हमारे कैडर में है सर जो अभी पहुँचे, लोग मतलब इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी तक कुछ लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना, इसमें टोटल 40 सीट है और समझिए कि यहाँ तक पहुँचने में आपको 27-28 साल लग ही जाएंगे, ठीक है ना, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी आपका एज क्या है और कहाँ तक पहुँचने का उम्मीद करते हैं ये सर, डायरेक्टर तक पहुँचने का उम्मीद करते हैं सर, अभी 27 साल हुआ है, ऑलरेडी 1 साल सर्विस हो गया सर हम लोग का कम्प्लीट, अभी देखिए 27 साल में 1 साल सर्विस भी कंप्लीट कर लिए हैं, कितना रिजल्ट लेकर बैठे हुए हैं, तो 27 में अगर हम 27 भी जोड़ दें यानी 54 साल की एज में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, वो नहीं बने तो मान लीजिए डायरेक्टर तो एकदम आराम से बनेंगे ही क्या जी सर, चांसेस बहुत रहेगा सर, डायरेक्टर चांसेस रहेगा, थोड़ा सा अच्छे से उसमें भी देखिएगा इंटरनली, इंटरनल वगैरह जो भी कुछ एग्जाम्स भी शायद होता है इंटरनल, यहाँ पे सर है कि एएसओ के बाद सर 5 साल में ही क्वालिफाइंग होता है सर, 5 साल में ही, 5 साल के बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम सर थोड़ा केस वगैरह चक्कर के चलते ये डिले हो जाता है, अदरवाइज यहाँ 5 साल में ही बन सकता है कोई ऐसा सर, उसमें भी थोड़ा सा ग्लिच है सर, ग्लिच ये है कि जो मेंस हम लोग का होता है सर वहाँ से काउंट होता है सर्विस ऑफ ईयर, तो अभी तक हम उस हिसाब से सर 3 साल सर्विस काउंट कर चुके, 2 साल में एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है 2 साल में एलिजिबल हो जाएंगे, हाँ सर्विस मतलब एमटीएस वाला भी काउंट हो जाएगा, नहीं सर एमटीएस वाला काउंट नहीं होगा, जो उसमें है उसी का, जो सीजीएल मेंस जिस साल हम ज्वाइन किए हैं उसी साल का ज्वाइन, 2017 वाला ज्वाइन काउंट होगा, नहीं सर अच्छा वो भी नहीं काउंट, नहीं 18 वाला सीजीएल का जो मेंस, सीजीएल 18 वाला रिजल्ट कब आया था, फाइनल रिजल्ट कब था, 20 में आया था शायद, 21 में दिया था सर, 21 में दिया था सर, मार्च या अप्रैल में दिया था और फिर 3-4 मंथ में ज्वाइन करवा लिया था सर, हम ज्वाइन किए थे 10 अगस्त को ज्वाइन किए थे सर, 10 अगस्त जी, तो ये जो है हाँ सीजीएल 18 के थ्रू इनका जो रिजल्ट फाइनल आया था वो कब आया था, मार्च 21 में, हाँ मार्च 21 में कर सकते थे, मार्च 2021 में इनका जो है रिजल्ट आया था, ठीक है ना, रिजल्ट हुआ था, ठीक है ना, और इनका जो ज्वाइनिंग है अगस्त में हो गया था, ठीक है ना, अगस्त 2021 में ज्वाइनिंग हो गया था, ये ज्वाइनिंग है इनका 21 अच्छा यहाँ 21 हाँ अगस्त 2021 में इनका ज्वाइनिंग हो गया था, तो ये मत सोचिए कि बहुत पुराने स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, 15 में तैयारी करना है स्टार्ट किए, लगातार रिजल्ट लेते रहे और अभी जो है ये जो था 21 में सीजीएल 21 में 18 वाला का रिजल्ट 21 में दिया और उसमें ये ज्वाइनिंग ले ली, ठीक है ना जी। तो ये इनका जर्नी है, ठीक है, और ये बताइए शुरुआती दौर जब हम लोग का क्लास चलता था, बैच वगैरह के बारे में थोड़ा सा सब कुछ बताइए बच्चों को सर, बहुत मोटिवेशनल था सर, हम लोग 7-8 लोग थे सर, सारे लोग जॉब करते हैं सर, सारे लोग आए होंगे सर, के बारे में कौन कहाँ जॉब करता है सर, एक तो हमारे पार्टनर रहे थे सर अभय कुमार थे सर उनका नाम, वो अभी कैग में है जॉइंट, अभय जी हमारे यहाँ क्लास किए थे, कैग में है सर, डिपार्टमेंट हाँ, उसके बाद एक है सर वो आपके दीपू भी आते सर, वो टैक्स असिस्टेंट है अभी इनकम टैक्स में, जी अभी टैक्स असिस्टेंट, फिर एक अविनाश थे सर वो सीपीओ में है सर, अभी सीपीओ में सीआईएसएफ में, हाँ सीआईएसएफ में है सर, वो दिल्ली में ही है, पोस्ट में मिलना जुलना होता रहता है सर उनसे, सीपीओ में ही है सर, सीपीओ में कौन सा पोस्ट सही होगा, हाँ ऐसा ही होता है सर, सीपीओ में ऐसा ही पोस्ट पे है, अविनाश जी वो भी पढ़े थे यहाँ पे जी, ठीक है ना, जो लोग यहाँ जिनकी भी बात हो रही है सब ये लोग का ग्रुप था, ये अपने यहाँ सब लोग क्लास किए थे, फिर एक सर विशाल कुमार थे सर, वो अभी गुड्स गार्ड में है सर, इटारसी में ही है, वो तो फिर रेलवे के थ्रू गए, हाँ रेलवे के थ्रू गए, अच्छा विशाल जी का गुड्स गार्ड में सिलेक्शन हुआ है रेलवे के थ्रू, ठीक है ना, अपने कैंपस के स्टूडेंट है, लोगे ग्रुप के स्टूडेंट है, वही सब था सर, निधि है, हाँ फिर निधि, फिर निधि का दरोगा हो गया, दरोगा में है सर, लोगे ग्रुप में एक निशा थी उनका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो हम लोग सर सारे बहुत लोग जॉब कर रहे हैं सर, सारे लोग जॉब ही कर रहे हैं, फिर एक दीपक भी अभी थे सर वो एमटीएस में है सर अभी, दीपक जी हाँ, तो बहुत सारे लोग ये लोग जॉब में है अभी कर भी रहे हैं, ठीक है, और भी सर थे सारे की मदद से आप सारा वो करते थे सर, और वहीं से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और मैथ तो सर आपसे शेयर भी करा मैंने कि मैं मैथ बनाता था और बनता था, 3-4 मिनट में मैथ बनाता था, बहुत खुश होता था कि अब तो क्या सिलेक्शन तो मेरा कोई रोकने वाला ही नहीं, सर के पास गया पहला दिन और सर ने बस फ्रैक्शन में तोड़ा,
20% 1/5 5 to 6 कर करके सवाल कर दिया सर। मैं तो 2-4 दिन सौ कैसे कैसे हो सकता है, फिर वहाँ से नया चीज़ सीखा और फिर ठीक है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि आप जितना मेहनत करते हैं सर उसका तो कोई हद ही नहीं है, मतलब आप जान लगा देते हैं सर। ये सर ये लगी इसके लिए नहीं है कि मतलब आप एक्चुअली में सर मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है सर आपसे। अच्छा तो सर मतलब मैथ बनाने का जो तरीका था वो सर से ही सीखे हैं एक्चुअली में, कि बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट एक्चुअली में उस समय कुछ कुछ दिल्ली में था सर, हो सकता है दिल्ली में हो लेकिन पटना में एकदम बिल्कुल फ्रेश था। हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या, बस मैथ बनाते थे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करते रहते थे। वैल्यू पुटिंग भी सर आपने आप ही से सीखा उस समय एकदम स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे बस सिलसिला चलता रहा सर, आपके गाइडेंस में रहे, जॉब होता गया और चलता रहा सर। सर अफसोस इस बात का सर बहुत लेट से मिलने आए सर, लेकिन आपसे हम मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया सर, आपसे हमेशा टच में था सर। हाँ हमेशा किए हैं, और खास बात है 21 में रिजल्ट हुआ है, ये सीजीएल सबसे लास्ट वाला इनका जो जिसमें बड़ा पोस्ट मिला है 21 में जी। और अभी आए तो बहुत ज्यादा डिले नहीं मानेंगे ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, बहुत तरह का काम होता है, ज्वाइनिंग करना, नए जगह पर सेटल होना, तो ये सब भी एक अलग तरह का चैलेंज होता है। और उसके बाद जब टाइम मिला पाए ठीक है ना जी, तो यही है हम लोग का एक्सपीरियंस ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि और कुछ बताना चाहें तो कर सकते हैं सर। ठीक है सर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और आप लोग भी अच्छे से मेहनत। हाँ सर, ये सीजल वाइज के बारे में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हमको लगता है कि जब जब सिलेबस चेंज होती है सर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमको तो पता है सर कि आप बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होंगे, अंडाउटली बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होंगे, क्योंकि लेकिन सर लेकिन ये जो है सबसे बड़ी बात है कि सर पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट है, और उसको ज्यादा समय भी लेना मतलब, क्योंकि सर हमको लगता है मार्च में मेंस ले लेगा सर, फरवरी टू मार्च में मेंस ले, दिसंबर में प्री लेगा, और मुझे लगता है कि मार्च के आसपास में मेंस ले लेगा, और वो उसमें इतना ज्यादा चांस है सर 20,000 वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात जो निगेटिव मार्किंग एक लाई है सर और सेक्शनल कट ऑफ, ये दोनों में इतनी बड़ी ग्लिच है सर कि अगर आदमी बहुत सारे लोग छटेंगे अच्छे अच्छे स्टूडेंट कि हमको मेरा तो जीके ठीक है या फिर रीजनिंग ठीक है, कुछ भी इग्नोर करेंगे सर तो उनका आउट होना है। अब चारों सब्जेक्ट पे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ठीक है ना, और जीके जीएस भी थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा अच्छे से क्या जी सर। और मुझे लगता है कि जीके जीएस में लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं 100% ट्रस्ट पढ़ के जाना है, लेकिन ट्रस्ट एक होता है कि नहीं यहां से नंबर इतना मार्क्स तो मेरिट तो बनना है सर इंग्लिश और मैथ रीजनिंग पे ही बनना है, लेकिन क्वालिफाई तो करना जरूरी है ना, क्वालिफाई करना जरूरी है। और दूसरी बात है कि उसमें भी हम बिल्कुल जीरो तो नहीं ला सकते हैं, अपना पढ़ के जाना है। पढ़ के जाने से होगा क्या कि मान लीजिए 25 मार्क्स अगर आता है, 25 क्वेश्चन अगर मेंस में है जो कि जिसपे मेरिट बनेगा हम लोग का, तो 25 क्वेश्चन में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो जितना मैक्सिमम स्कोर हो सकता है वो तो है। और मैथ में बाकी मुझे लगता है कि 30 out of 30 आएगा अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो बिल्कुल आएगा। एक आध नंबर इनका भी देखिएगा तो सारा में 47.5 मतलब 50 में 50 नंबर लगभग इनका है ठीक है ना। मेंस में कितना था, 18 में 160 था सर, 160 था 18 में मैथ में ठीक, इंग्लिश में 190 था सर। इंग्लिश में ये बहुत अच्छा किया है ठीक है ना, 190 ठीक है सर। इंग्लिश के लिए थोड़ा सर, क्योंकि इंग्लिश मैंने सर पूरा ग्राउंड लेवल से लर्न किया सर। अच्छा अच्छा, मतलब मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश के बारे में अपना स्ट्रेटजी बताएगी कैसे बच्चा लोग इंग्लिश में सर सबसे पहला कुछ भी करे या ना करे न्यूज़पेपर ऑर्डर कर दें डेली, आपके हॉकर न्यूज़पेपर बिक के जाए आपके फ्लोर पे, अदरवाइज सर इंग्लिश का कोई रूल ही नहीं है। यानी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में जैसे बोरिंग टाइप का होता है फीलिंग ठीक है ना, जैसे जैसे हम पर्सनली देखते हैं सर, जो बच्चे हमसे मिलते हैं जी, तो उनको हम समझाते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर बोर हो जाते हैं पढ़ने का सर, मन नहीं उसका करता। मैं सर दावे के साथ कह सकता हूँ सर बहुत सारे लोगों से मिला बिना न्यूज़पेपर के कोई उपाय ही नहीं है। तो न्यूज़पेपर में कौन सा पार्ट से ये लोग स्टार्ट कर कुछ भी कर सकते हैं सर, फर्स्ट पेज तो पूरा पढ़ें इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि सर अगर आप डेली पढ़ना स्टार्ट करेंगे हॉकर अगर डेली न्यूज़पेपर बिक रहा है तो डेली पढ़ेंगे सर तो लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। हाँ, तो डेली होने से एक न्यूज़पेपर उठा करके 7 दिन पढ़ेंगे सर तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं? द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बेसिक है सर, द टाइम्स ऑफ इंडिया बेसिक है, द हिंदू हमको लगता है कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ हो जाएगा समझना, टफ हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग लेकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उसमें उसमें सबसे पहले आप लोग जो था फ्रंट पेज पूरा देख लीजिए, उसके बाद से क्रिकेट वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते होंगे, बॉलीवुड में इंटरेस्ट लेते होंगे, तो ये सारा चीज थोड़ा सा आप देख लीजिए वहां पे। उसके बाद बॉलीवुड के बाद और
मेरे को लगता है कि आप जो एडिटोरियल पेज है जी, तो वो भी हमको लगता है कि लोगों को देखना हाँ, चाहिए, क्योंकि अब जो इंग्लिश आएगा ना हाँ, वो हमको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का अच्छा लेवल सर, इसका एक बार सिलेबस अगर देखा जाए सर जो दिया है इस बार हाँ, हाँ, वो करें, उसमें सबसे बेस्ट चीज पार्ट ये है सर कि जीके जो पूछेगा करंट से ज्यादा पूछेगा, वो न्यूज़पेपर से ही कवर हो सकता है। अब जीके नहीं है हाँ, अब जीए है, जीए है बिल्कुल सर, मतलब जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस है, करंट टॉपिक से जोड़ के जीए में पूछेगा, और न्यूज़पेपर पढ़ने से आप लोग को इन लोगों को फायदा ये बहुत ज्यादा सर फायदा होगा कि जीए का भी नॉलेज, जीए का भी नॉलेज होगा सर, और साथ में इंग्लिश भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो हिंदी में तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, और एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है क्या, इंडिया में कहीं भी अगर जाते हैं तो एक एक अच्छा, जैसे कल के डेट में आप केरला साइड में जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो वहाँ पे आपका इंग्लिश अच्छा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए सर बिल्कुल। तो इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। और बताइए इंग्लिश 18 में सर मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करा था सर, क्योंकि सर मेरे प्री में मार्क्स ही नहीं थे 18 में, 130 मार्क्स थे सर, वो नॉर्मलाइज होकर 173 हो गया था। अच्छा। तो मैंने तैयारी करा ही नहीं था, लेकिन मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था सर, और न्यूज़पेपर की वजह से 190 मार्क्स आए 200 में सर। मैथ मेरा एक्चुअली मैं अच्छा था सर आपसे पढ़ने के बाद, लेकिन मैथ में प्रैक्टिस ही नहीं था सर, ये 160 रह गए मार्क्स, लेकिन न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता था सर, इसलिए न्यूज़पेपर से 190 मार्क्स आए। न्यूज़पेपर देखिए इनका इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से 190 तक इंग्लिश में स्कोर किए हैं। एक चीज और बताइए बच्चे, हमको लगता है ये जानना चाहेंगे जी कि आपका बोर्ड कौन सा रहा और उसका क्या फायदा मिला या क्या घाटा मिला, इसका थोड़ा सा बताइए। सर बिहार बोर्ड से ही थे सर ये, देखिए ये तो सबसे पहले हमारे बिहार के नवादा से हैं, और नवादा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, और बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं। जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों को लगता है ना, उनको लगता है कि मेरा इंग्लिश में नंबर नहीं आ सकता है, लेकिन देखिए आपके सामने एकदम एग्जांपल है, इंग्लिश में 190 नंबर स्कोर किए हुए हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। सर जब हम लोग का ग्रुप चलता था सर, तो वोकैब हमको पूछने दिया जाता था हाँ। तो हमको पूछने भी नहीं दिया जाता था सर, कि प्रोनाउंसिएशन इतना खराब था कि समझ ही नहीं पाता था लोग। अच्छा अच्छा मैंने सर एक्चुअली में बहुत मेहनत करके इसको इंप्रूव किया, और न्यूज़पेपर इज द मतलब सोल सोर्स ऑफ माय बेस्ट वे टू इंप्रूव। और इस बार 22 के लिए सर तो इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है सर, इसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, दो घंटा डेली देना ही होगा। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी वीक था, हमारे बिहार के जो लोग भी बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं उनका इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक होता है, और प्रोनाउंसिएशन वीक था, इनको पूछने नहीं दिया जाता था क्वेश्चन बिल्कुल सर। ग्रुप में जब ये लोग स्टडी करते, अच्छा हमेशा हम इन लोग के ग्रुप को मोटिवेट करते थे कि आप लोग ग्रुप में अच्छे से डिस्कशन करिए, ग्रुप से बहुत फायदा होता है, जो अपने यहाँ टारगेट बैच चलता है उसमें मैथ भी चल रहा है, ग्रुप में आप लोग ग्रुप बना के पढ़िएगा तो और फायदा होगा। 20,000 वैकेंसी है इस बार हाँ। अगर हमको लगता है कि प्री के लिए 2.5-3 महीना टाइम है जी, 2.5-3 महीना अगर अच्छे से ये लोग काम करेंगे तो प्री जस्ट क्वालिफाइंग हाँ, प्री तो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद से मेंस के लिए जो स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए वो एकदम धांसु होना चाहिए, अभी से एकदम लग जाइए, पूरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है जी, मैथ अच्छा करना है जी, और उसके बाद से रीजनिंग भी अच्छा करना है, और उसके बाद जीए भी करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट वे होगा कि एक ग्रुप में अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लास कीजिए, क्लास के बाद से आपस में डिस्कशन करिए। खाना उना का लेकर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा सर, खाना तो मैं तो सर बोलूंगा कि खाना खुद से ही बना के खाए, कि सर हेल्थ का इश्यूज बहुत ज्यादा होता है पटना में, और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है सर। तो एक दो घंटा निकाल सर, पढ़ना तो 7-8 घंटा पढ़ लेगा आदमी, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, तो 3-4 घंटे तो लोगों का क्लास हो जाएगा, फिर के बाद से सेल्फ स्टडी 4-5 घंटे हाँ सर, फिर भी समय बचेगा सर थोड़ा, अगर आलस त्याग देगा तो सर हमको लगता है कि खाना, देखिए खाना खुद से बना के खाइए ठीक है, अदरवाइज अगर तबीयत खराब हो गया बीच में सर, मैं अभी भी सर दिल्ली में हूँ सर, खाना खुद से ही बना के खाता हूँ, क्योंकि मैं उसको ये नहीं कर सकता, खाना जो है ना खुद से बना के खाने का बात ही अलग जी बिल्कुल, ये चीज है हाँ। उसके बारे में बताइए इंग्लिश का और थोड़ा सा हाँ। इंग्लिश का सर मैं तो मतलब वही फोकस करूंगा सर, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा सर तो हमको लगता है कि वो चीज़ खराब है, फिर इंग्लिश कभी सुधरने वाला ही नहीं सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि जब हम लोग वहाँ काम करते हैं सर, तो यू हैव टू कमांड अवर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड होना ही चाहिए सर, जितना भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होता है सारा इंग्लिश में होता है, तो अगर हम रट के अगर किसी तरह से मार्क्स भी ले आए सर, तो वहाँ पे जाके बहुत एम्बैरेसिंग फील होगा, बहुत ज़्यादा। आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि इस बार एसएससी सीजीएल क्यों जो है 45 क्वेश्चन इंग्लिश का कर दिया क्या हाँ, वेटेज इसका यही रीजन है, वेटेज बढ़ाने का जी, कि अब ये खुद बोल रहे हैं क्या चीज, अगर कैसे भी रट के अगर आप नंबर ला भी देते हैं तो जब आप डिपार्टमेंट में वहां जाएंगे या काम करेंगे तो वहां जितना भी आपको मेल भेजना है, जितना भी ड्राफ्टिंग करना है, जितना भी नोटिस वगैरह होता है, सारा चीज इंग्लिश होता है, इंग्लिश में ही होता है। तो अगर इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं हो, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा नहीं हो, न्यूज़पेपर पे कमांड नहीं होगा,
तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, और उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे अच्छे लोगों के बीच में जो इम्प्रेशन होगा खराब होगा, और बहुत मैंने इन्फीरियर फील करने लगेंगे, कॉन्फिडेंस भी आप लोग का लूज होगा, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा करिए आप लोग क्या। जी सर बिल्कुल, इंग्लिश अच्छा करने की जरूरत है। और तैयारी करने के लिए न्यूज पेपर के अलावा ये लोग और क्या करें सर? बाकी तो कुछ बेस्ट बुक हैं सर, जैसे नीतू मैम की हैं, वो सब बेस्ट है। नीतू मैम की किताब है, और एक अपना प्लिंथ टू पैरामाउंट शायद उसका नाम है। हाँ सर, आप तो उस सारा किताब आप देख लीजिए, उसमें ग्रामर पार्ट भी हमको लगता है कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ग्रामर के लिए सर एक बुक ये है, और एक बुक अपने अशोक कुमार का है सर, अशोक कुमार, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, द बेस्ट बुक। एमबी पब्लिकेशन? नहीं सर, वो है अजय कुमार चौहान की एमबी पब्लिकेशन की, वो प्रीवियस ईयर है, वो तो सर करना ही करना, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। एक अशोक कुमार चौहान की बुक है सर, अशोक कुमार की, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, द मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसको अच्छे से अगर करेंगे। ग्रामर की सबसे बेस्ट बुक है सर वो, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसको मैंने सर कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा होगा, और वो बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है वो, ठीक है ना, और अपने लैंग्वेज में है, हिंदी में बहुत अच्छे से समझाए हैं सर। तो वोकैब जो पार्ट है, वोकैब पार्ट जी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सोर्स क्या हो सकता है जो आप लोग लिए थे? सर उस समय तो बहुत सारा पीडीएफ आता था सर, अभी सर एक चल रहा है ब्लैक बुक करके, निखिल गुप्ता का एक ब्लैक बुक है सर। अच्छा, ब्लैक बुक जो क्यू मैथ वाले हैं? क्यू मैथ वाले हैं सर, वो बेस्ट है सर, वो भी अच्छा है। अच्छा, तो उसका जो है ब्लैक बुक से आप लोग कर लीजिए, क्यू मैथ का जो है ना वहाँ पे ब्लैक बुक करके आता है, निखिल गुप्ता का है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप लेकर भोके पे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अपने कैंपस में जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनको, जो लोग सीजीएल का तैयारी करते हैं ना, हम प्रोवाइड करवा देते हैं, हम प्रोवाइड भी ग्रुप में करवा देते हैं, ठीक है ना, उसका पीडीएफ। न्यूज़पेपर पढ़ने का थोड़ा तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ें तो एक डायरी लेके रखें, और वर्ड को गूगल करें, किसी डिक्शनरी में ना खोजें, गूगल करें, और गूगल करने के बाद मींस लगा दें, जैसे कोई भी वर्ड है डेरिलेक्शन है तो उसके साथ मींस लगा देंगे सर, उसका डिफिनेशन आ जाएगा, सारे डिफिनेशन को पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, और डेली रिवीजन करेंगे सर, प्रीवियस जितना भी वर्ड लिख रहे हैं डेली रिवीजन करेंगे, ये सबसे बेस्ट सोर्स है इंग्लिश इंप्रूव करके। और सबसे बड़ी बात है सर कि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है, हर एक जगह अलग अलग यूजेस हैं सर, वो वहीं से आ सकता है, गूगल से ही, डिक्शनरी नहीं प्रोवाइड कर सकती है सर वो कभी भी। तो इनका आपके लिए एडवाइस है, ठीक है ना, कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं तो एक डायरी रखें, जो भी वर्ड्स आपको मिलता है उस वर्ड्स को गूगल करें, और गूगल पे बहुत उसके बारे में सब कुछ लिख देता है, बहुत सारा उसका मीनिंग देता है, एक मीनिंग नहीं होता वहाँ पे, उसको थोड़ा देखिए। और जो वहाँ पे न्यूज़पेपर में जिस चीज से रिलेटेड दिया हुआ है उस चीज का मीनिंग आप निकालिए और उसको नोट डाउन करते जाइए, बिल्कुल, और 10 मिनट टाइम लगता है, 10 मिनट आधा घंटा में जितना भी डायरी में नोट है उस न्यूज उस सारे वर्ड्स को एक बार देख रिवीजन करें, बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, ऐसा अगर कंटिन्यूअस करिएगा ना हाँ। तो आपको हम बता रहे हैं, हमको लगता है कि 3-4 महीना में आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अनडाउटली सर, न्यूज़पेपर भी समझ में आने लगेगा, बिल्कुल सब चीज समझ में आने लगा, एक न्यूज़पेपर हार्ड है ही नहीं। आप 3 मंथ सर, आपने बहुत अच्छा से बताया सर, 3 मंथ सफिशियंट होता है सर, बहुत अच्छे से सब सारे चीज़ समझ में आने चलता लगता है, लिंकअप होने लगती है चीज़ें, और भी इम्प्रूव होने लगता है धीरे धीरे, फिर तो सर ताले खुल जाते हैं फिर। मैथ के लिए बता दीजिए क्या क्या लोग करते हैं? मैथ तो सर मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपसे सीखा सर, फिर बाद में प्रीवियस ईयर लगाता रहा सर बस। तो प्रीवियस ईयर मेन है, हमको भी लगता है कि प्रीवियस ईयर जैसे अभी 22 में एग्जाम देना है, तो मुझे लगता है कि अगर 20, 21 और 22 का, 22 में जो अभी तक पेपर हो गया है, ये तीन साल का पेपर अच्छे से करके जाया जाए, और कंसेप्ट सारा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे ही आपको, तो कंसेप्ट अगर करके जाया जाए तो उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आया। बिल्कुल सर, TCS जो 18 से पेपर ले रही है सर, 18 से लेकर के अभी तक का जितना भी SSC का हुआ है सर, वो अगर अच्छे से कर लिया जाए तो हमको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है। 18 से कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, अगर टाइम 3 है, जैसे अभी 60-70 दिन है, 60-70 दिन में 3 साल पहले टारगेट कीजिए ये वाला, मतलब 22 में जो पेपर हुआ, 21 में हुआ है, और जो आपका 20 में हुआ है, और टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग 18 का भी देख लेंगे, 19 का भी देख लेंगे क्या? जी सर बिल्कुल, ये बेस्ट में होगा, बेस्ट में होगा सर। और चलिए ठीक है, तो रीजनिंग और जीए के बारे में ये लोगों को बाद में हम लोग शेयर करेंगे। हां बिल्कुल सर, लास्ट में है मेरा। हां जी सर, बहुत हो गया। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी को, इतना प्रीशियस टाइम दिया आप लोगों के लिए, और आप लोग एक बार कमेंट करके पक्का बताइएगा कि इस जो ये सेशन रहा, इस सेशन से आपको कितना मोटिवेशन मिला, कितना फायदा हुआ, और इस तरह का और भी सेशन आप चाहते हैं, अगर चाहते होंगे तो हम लोग और भी बच्चों को लेकर आएंगे YouTube पर। और जो हमारे सेलेक्टेड बच्चे देख रहे हैं इसको, वो लोग भी आप लोग आइए, मिलिए हमसे, बच्चों को शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, ताकि बच्चों को भी
आपका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों तक जाए और उनको मैक्सिमम फायदा पहुंचे, क्या? यस। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। सर।